जुनून आपसे वो करवाता है जो आप कर नहीं सकती, लेकिन हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। और इसी हौसले और जज्बे की मिसाल से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। इनसे हम जब भी मिलते हैं, एक अलग सा जज्बा, एक अलग सा हौसला इनमें देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के फर्स्ट व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर आनंद अर्नाल्ड की। हेलो सर, सबसे पहले आपका हमारे स्पेशल शो टाउन टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आई रियली फील प्राउड कि हमें, हमारे लुधियाना लाइव की टीम को आपसे दोबारा मिलने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम दोबारा मिल रहे हैं। बिल्कुल, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अनदर अचीवमेंट। हम चाहते हैं कि आप अपने फैंस को खुद ही उस अचीवमेंट के बारे में बताएं। मैं आपको भी और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली मैंने प्रो शो टोरंटो में जीता है, जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया है। और उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी थी और अपने बहुत ज़्यादा मेरा टाइट शेड्यूल था, उसमें से इवन कि मैं जिम को भी टाइम नहीं दे पाता था, बट बहुत हार्डशिप के बाद मैं वहाँ तक पहुँचा। और इवन कि स्टेज पे मेरी बैक इंजरी भी हो गई थी, तो हाँ, बट मैंने थर्ड राउंड में उसको सारा ओवरकम किया अपनी परफॉर्मेंस के साथ और सिल्वर मेडल जीता मैंने इंडिया के लिए। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। और अब हम चाहते हैं कि आप बताएं कि आप ओवरऑल कितनी ट्रॉफीज और मेडल्स जीत चुके हैं अब तक। आज तक के जो मेरे टाइटल्स रहे हैं, ये टोरंटो में मैंने 50th अपना हाफ सेंचुरी पूरी करी थी अपने मेडल्स की। ओके, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओके, तो और कौन कौन से टाइटल्स थे जो आप अब तक विन कर चुके हैं? अभी मैंने पिछले साल जो मैंने अमेरिका में जीता था, मैंने मिस्टर ओलंपिया का सेकंड पोजीशन मैंने जीती थी और बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर मैंने 2018 में मैंने लास वेगास में जीता था। और कोलंबस ओहायो में मैंने आर्नोल्ड क्लासिक, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है दुनिया का, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर 2018 दोबारा मैं रहा था। और टोरंटो में भी अभी सारों को पता है जो कि सिल्वर मेडल जीता है। ओके, तो ये आपकी आई थिंक अचीवमेंट्स दिन ब दिन बढ़ती ही जाएंगी। आप 100 मेडल्स भी जल्द ही पूरे करेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे। अच्छा, तो आनंद सर, कैसा लगता है आपको लाइफ? स्टार्टिंग से बहुत पेनफुल जर्नी रही है आपकी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब तक आप इस मुकाम पे आके उस जर्नी को देखते हो तो कैसा लगता है आपको? अब ऐसा लगता है इतने सक्सेस के बाद कि आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में तो सब प्यार करते हैं सारे लोग, बट इंटरनेशनल लेवल पे भी मेरे को इतना सारों का प्यार, इतना सपोर्ट मिलेगा। अभी टोरंटो में था तो एवरी डे वहाँ पे मेरे दो शूट्स रहते थे इंटरनेशनल टीवी पे, और वहाँ के लोगों ने मेरे को इतना ज़्यादा प्यार किया कि इवन कि वहाँ के मेयर ने भी मेरे को आके ऑनर किया था। वहाँ पे एक मीट एंड ग्रीट करवाई थी इन्होंने, मीका वालों ने, मीका एक एसोसिएशन है इंटरनेशनली, हाँ वहाँ पे इंडियंस ने, हाँ जी इंडियंस की वो है, और उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आए थे लोग, उन्होंने मेरे को वहाँ पे सम्मानित किया। और जब मैं न्यूयॉर्क में था, वहाँ पे करी कल्चर वाले हैं, उनका काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ पे, उन्होंने मुझे लास वेगास से वहाँ पे मुझे ट्रिप स्पॉन्सर किया था। मैं सनी सोलोमन का मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क घुमाया। बाकी टेनेसी में मेरे जो स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने रॉनी पियर्स है उनका नाम, उन्होंने मुझे टेनेसी घुमाया। सो आधी दुनिया तो मैं ऐसे ही घूम चुका हूँ। बाकी जो लास वेगास में था, वहाँ पे मेरे थे एलन, एनजी जो हैं वो मेरे दोस्त हैं। तो मैं जिम जाता था, घूमता फिरता था, बहुत मैंने वहाँ पे फन किया और बहुत अच्छे रिलेशन मैंने, एक लाइक अमेरिकन फैमिली है मेरी और अब वहाँ पे टोरंटो में मेरी फैमिली है, सिरी में है और वैंकूवर में है, तो बहुत लोगों का प्यार मिलता है। उनको मैं अपने दोस्त, उनके फैंस नहीं बोलता, उनको मैं अपनी फैमिली बोलता हूँ। ओके, तो आई थिंक आपकी ये मेहनत आपको ना वर्ल्ड घुमाएगी और वर्ल्ड में आपकी फैमिलीज होंगी जिन्हें आप जहाँ भी जाएं आपका स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। तो आनंद सर, कोई शिकवा होता है जिंदगी से? जिंदगी से इस लेवल पे आके तो कोई शिकवा नहीं होता, क्योंकि अगर आप, मेरे को क्या लगता है कि कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सोल्जर बन जाए, जो मर्जी बन जाए, बट जब हम अपने
कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उससे बड़ा जो लेवल कोई और हो सकता है. तो बट ये है कि बस मैं एक बिलीवर हूँ और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अपनी ज़िंदगी के लिए हर एक पल के लिए थैंक्स करता हूँ. बहुत कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है और बहुत कुछ मैं आगे लोगों को भी सिखा रहा हूँ. तो वैसे ही कहते हैं कि नेगेटिव अगर हम सोचते हैं तो उसके साथ नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव कोई सोचता है तो उसके साथ पॉजिटिव होता है. तो आप उस माइंडसेट की एक प्योर एग्जांपल हैं. तो इतना हौसला कहाँ से आता है आपको? जैसे मैंने आपको बोला बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं एक बिलीवर हूँ, आई एम अ क्रिश्चियन गाय. और एक हिंदुस्तानी के नाते मैं सारों को बताना चाहता हूँ कि मैं प्रेयर करता हूँ और मुझे मेरी सारी इंस्पिरेशन, मेरी सारी ताकत जो है वो जीसस से ही मुझे मिलती है और मैं रोज प्रेयर करता हूँ. जी, आप भी रोज प्रेयर करिए. प्रेयर से ये होता है कि हमारे जितने भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है. जी, तो हम चाहते हैं कि अपनी रूटीन के बारे में, अपने डाइट प्लान के बारे में बताइए जो फैंस आपको फॉलो करते हैं उनके लिए. डाइट तो मेरी हमेशा नॉनवेज रहती है, मेरी नॉनवेज रहती है, चिकन राइस एंड वेजिटेबल्स जो है ये मेरे डेली यूज में है. जी, बाकी जब मैं ऑफ सीजन में, जैसे अभी मेरा ऑफ सीजन चल रहा है, मेरी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं चल रही है, तो मेरा ज़्यादा रहता है कार्बोहाइड्रेट्स मैं इनटेक करता हूँ. दूध और केले ये मैं ज़्यादा खाता हूँ. जी, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब फ्यूचर प्लान्स तो काफ़ी हैं मेरे. मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये है कि मेरे को एक अनाथ आश्रम खोलना है बच्चों के लिए, और एक ऐसा जिम मेरे को खोलना है कि जिसमें मेरे जैसे व्हीलचेयर यूजर्स जो हैं, डिसेबल्स, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे सकूं. फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे कुछ चार्ज नहीं लेना मैंने. और उनको मैं एक प्लेटफॉर्म दे सकूं. जी, होप जो लोग सुन रहे हैं उनमें से अगर कोई सर की मदद करना चाहता हो या एनजीओ के साथ, वो भी इनके साथ जुड़ सकते हैं. तो सर, लाइक आपके, हमने सुना है कि अभी आपके बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक मूवीज आपके ऊपर बायोपिक बन रही है. जी, तो लाइक बॉलीवुड में एंट्री मारने की कैसे सोच लिया आपने, कैसा होने वाला है? मैंने तो कभी कोशिश नहीं करी. अभी मैंने एक फिल्म करी थी सुप्रीम खिलाड़ी, तो जिसके अभी एक हफ्ते में उनके काफी, उनका 100 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस हुआ था. और सारों को पता है मैंने अपना रोल जो है बखूबी निभाया. और मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ के लिए एफर्ट करूं या मैं भागूं मेरे को रोल के लिए, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं है. बट ये है कि मेरे को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं, तो जब अगर मेरे को कोई उनका प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली उनको, उनके साथ में जुड़ता हूँ. जी, तो हमने फ्यूचर प्लान्स की बात करी तो घर में शादी को लेकर नहीं कोई अभी कर रहा कि हाँ शादी कर लो अभी उम्र हो गई? शादी के लिए मेरी बहन मेरे से झगड़ा करती है, मेरी मॉम मेरे से झगड़ा करते हैं. okay. तो मैं उनको हर साल बोल देता हूँ कि मेरे को एक और टाइटल जीतने दो. उसके बाद है हाफ सेंचुरी के बाद भी अभी. जी जी जी, ये सिलसिला जो है 2016 से, जब मैंने मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीता था. ओके, तो लाइक घर वालों का आपको नहीं बहुत, मतलब आपको घर वालों ने बहुत सपोर्ट दिया हर कदम पर. और उनकी पेनफुल जर्नी, उनसे मिली थी मैं और उनकी आंखों में जो था प्राउड और पेन वो साफ दिख रहा था. अब इस मुकाम पर उनका क्या रिएक्शन है? इस मुकाम पर उनका, वो हमेशा खुश रहते हैं कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो उनको, डैड को हमेशा ये बोलते हैं, मॉम को ये हमेशा बोलते हैं, सिस्टर्स को, ब्रदर को ये बोलते हैं कि हाँ ये आनंद आर्नोल्ड का ब्रदर है, आनंद आर्नोल्ड की सिस्टर है, ये डैड है, ये मॉम है. okay. तो दे फील प्राउड. यस, और उन्हें शायद आपकी खुशी में वो दर्द भी भूल जाते होंगे. हाँ, अब वो कोई पेन नहीं है ऐसा. बहुत, मैंने बहुत से हार्डशिप्स देखे बट इस लेवल पे आके मेरे को वो पास हो गया है. हाँ, और आपका पास्ट ऐसे ही भूल जाए आपकी अचीवमेंट्स के आगे. तो अब हम चाहते हैं कि जो भी यंगस्टर्स हैं आजकल बहुत जल्दी लाइक जिंदगी से मुंह मोड़ लेते हैं, है ना, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम, उन्हें एक आप एडवाइस जरूर दें. मैं आप सबको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि चाहे छोटी प्रॉब्लम हो चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम जो है एक बच्चे को भी आती है, एक टीनेजर को भी आती है, एक यंगस्टर को भी आती है, एक बूढ़े को भी आती है, गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है. सो ये हमारे सिर्फ सोचने का, देखने का नज़रिया है कि हम उसको कैसे, उसको एक्सेप्ट करते हैं. अगर हमारे में कोई कमी है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसी के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए. सो यही है मेरा मैसेज.
ओके, तो अब हम चाहते हैं कि जो लुधियाना लाइव के व्यूवर्स हैं, आपको देख रहे हैं, आपको इतना प्यार करते हैं लुधियाना लाइव के व्यूवर्स, उन्हें भी आप एक मैसेज जरूर दें। सबसे पहले तो मैम आपका और हमारे व्यूअर्स का और लुधियाना लाइव की टीम का और उनके सीईओ का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो पहले हमने वीडियो करी थी उसको 16 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स मिले हैं। थैंक यू सो मच सर, और हर बार जब भी हम आपसे मिलते हैं बहुत इंस्पायर्ड फील होते हैं और आज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आपकी तरक्की, आपकी अचीवमेंट्स इतनी बढ़े कि हमें आपको बार बार मिलने का मौका मिले। थैंक यू थैंक यू।